ठीक है जी। तो रमेश कह रहे हैं कि जैसे यहाँ खोल दो, लेकिन आपने बिल्कुल मना कर दिया। सही, देखो जी 10 घंटे लगे, 10 दिन लगो, चाहे हनाड़ा लाग जाओ 4 साल, रोड हम जब तक होने खोला जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, क्यों होया? अगर छोटी मोटी चोट है, इतनी बड़ी थोड़ी आ रही, बालक ने जानते मार दे, कॉलेज में झगड़े किसके कोने होंगे? हम भी कॉलेज हम गए, हम भी पिटे हैं, सब पिटे हैं जी, नू थोड़ी आग रही, अकेले जानते मार दे उन्हें। अगर मान लो न करे तो अरेस्ट कर लो, हम जाम खोल देंगे, हम जाम खोल लेंगे। 2 घंटे 4 घंटे कितना है लागो, उस टाइम जाम है, अरेस्ट कर लेंगे, हम कर देंगे। ई बुन है, आज 6ठा दिन है, सब ने नोबरा सीरियस है, एक की गिरफ्तारी ना करी ना, उनके घर आए ना जाते, SP DSP रपिए खाए बैठे हैं, पैसे खा रहे, क्यों जानता है कोई? नहीं तो एक बात तो, 5 दिन तक गिरफ्तारी ना कर किसी की ब्याज, ऐसा होया किसी की 31-35 और किसी गिरफ्तारी नहीं हो, किसी ने अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब केस सदर में आप कह रहे थे कि सदर में चला गया, वो कैसे? सदर में नहीं था जी, वो वहाँ पे केस था, वो सिटी में था। सिटी में, ठीक है, जो अपना एरिया है सदर में लगा है, तो वहाँ पे जो भिवानी झगड़ा हुआ था वो सिटी में था, तो ये रोड जाम करेगा सदर में है, तो इसीलिए ये सदर तो आए है। ये तो खाली खुलवाने के लिए आए, ये खुलवाने के लिए आए हैं, आश्वासन देने के लिए। आश्वासन तो झूठा दे जी, प्रशासन किस तरह देंदा बताओ भाई, सारे झूठा आश्वासन दे प्रशासन। सुनो, पहला गांव में गोली चलाई ना प्रशासन, ना कहना हमारा गांव के 2 मरे, ठीक है, वो ही ना गलत करे प्रशासन, हमारा गला करीब का 2 को नहीं तो कितने हो जियो, हमने इंसाफ से ये हमारा गला गलत हो रहा है। ये झूठा आश्वासन देकर ना चले जाके फिर आ जाएंगे, 2 घंटे हम कौन पा जाएंगे, घर ना बिठा रहा कि ना भी, अगर हमारा घर ना बैठे हम ले वहाँ भाई, लोकल ये सारे कुकर पास जाएंगे। जैसे ऐसे चुप कहेंगे 2 घंटा टाइम दे दे, कौन नहीं दें जी, दे टाइम कौन दें, दोगे के टाइम रहे, दो घंटे लगो चार घंटे लगो कोई दिक्कत नहीं हमारे को, बिल्कुल शांति के साथ सारा काम होगा, किसी के साधन का नुकसान नहीं होगा, किसी को पानी वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो यो देख लो भाई, क्योंकि पूरा गांव का युवा आक्रोश में है, और कितने कितने इनका दुख है अंदर, और जैसे बताया जा रहा है जो मनीष नाम का लड़का था, वो एक ही लड़का था, एक भाण थी और एक भाई था, बड़ा लड़का है, और मतलब बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि ऐसा हादसा, ऐसा हमला, मतलब जानलेवा हमला बहुत गलत है। इतने थोड़ी आगरे जी, एक आधा लठ मार दे छोड़ दे भी, गलती कहते का लठ हो आगरे, दोनों पा दोनों हाथ बीच में सर फरसे फेफड़ा एक सबके बिना छोड़ो, तो मान खतरे आए थे, खत्म करके उड़े छोड़ दिया है, मेडिकल इन हो गया कभी ठीक से, 5 दिनों के न करे क्यों नी मीबती, इन्हें करना चाहिए था। अब तक कोई एफआईआर हो रही है, पैसे खा रखे है, उठा नहीं रहे किसी ने भी, मोटे पैसे ले रहे हैं, उठा नहीं, देखो नहीं, अरेस्ट करो उन्हें। तो आपका मतलब जैसे यही है कि जब तक अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक हम रोड बैठे हैं, पूरे काम की डिमांड यही है कि जब तक गिरफ्तार हो, ताकि हमारे को सुरक्षा हो सके, जिसके कारण हमारा समाधान हो सके। और आने जाने वाले के लिए पानी का कैंपर, गिलास पीने के लिए पूरी सुविधा कर रखी है हमने, सवार किसी ने तकलीफ नहीं दिया, न आड़े कोई शीशे वगैरह किसी के फोटा, कोई नुकसान नहीं करा किसी ने, हम आराम से अपना धरना देवांगे, कोई नुकसान नहीं करांगे, पानी का टैंकर मंगवा दे, पानी पियो, कैंपर मंगवा दिए, और किसी भाई ने और भी तकलीफ होगी भाई मिटांगे, एम्बुलेंस वगैरह उसने निकालेंगे जी, बिल्कुल निकालेंगे, उस तरह रास्ता दिया जाएगा। ऐसा है जी, हम बैठे हैं सिर्फ धरने पर, ना कोई उपद्रव करने के लिए बैठे, ना किसी और किसी के लिए बैठे, हम सिर्फ अपना संविधान के लिए बैठे हैं, समाधान हो जाओ, गिरफ्तारी हो जाओ, हम तुरंत खोल देंगे, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है। तो जैसे बता इन्होंने भाई धरना में बैठे हैं, लेकिन जब तक धरना में बैठे रहेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, और जो नाम दे रखे हैं उनकी सारे गिरफ्तारी हो तो ही उठाएंगे, नहीं तो चाहे 10 घंटे लग जाओ, चाहे 10 दिन लग जाओ, हम उठाएंगे नहीं। और जैसे एम्बुलेंस के लिए रास्ता दे दें, या कोई भी मतलब जिस तरह कोई तकलीफ में है उसके लिए रास्ता दे देंगे, और पानी की और खाने पीने की व्यवस्था इन्होंने अपने हिसाब से कर रखी है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।